मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश में रविवार को 3 जिले इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग करें और मास्क जरूर लगाएं। आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने संक्रमण की तेज रफ्तार पर चिंता जताई है। सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण से स्थिति लगातार गंभीर हो रहा है, देश भर के कई हिस्से में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, एक बार फिर से संकट की स्थिति बन रही है। हालांकि प्रदेश सरकार संक्रमण को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश वासियों से अपील की है कि वो अपना सहयोग दे, प्रशासन के कार्य में बाधा उत्पन्न न करें और मास्क जरूर लगाए। वहीं आगे सीएम ने कहा, यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो केवल अपनी जिंदगी बल्कि औरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, परिवार समाज के लिए संकट का कारण बन रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए राजधानी भोपाल सहित इंदौर और जबलपुर में आगामी 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, शहरों में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि पिछले दिन सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक संक्रमित की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर में यह आंकड़ा 30,000 के पार पहुंचा है। चुका है। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है, एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।